तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं TVS Apache 160 2V के बारे में, जो कि आप यहां पर अपने सामने देख सकते हो। अब आखिर इसमें कौन कौन सी चीज़ें पहले से चेंज हुई हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूं, और साथ में ये कौन सा वेरिएंट है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं इसकी हेडलाइट से। तो हेडलाइट में आपको कोई खास चेंजेस नहीं आते हैं, जो चेंजेस आते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पहली बात, इसमें 5 LED का जो इसमें हेडलाइट दिया गया है, 3 LEDs ऊपर हैं, 2 LEDs नीचे हैं, तो 5 LEDs इसके हेडलाइट के अंदर हो गया। साथ में इसका जो 4V वेरिएंट आता है उसमें DRL यहाँ पर देखने को मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर आपको DRLs यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं ये वाली। तो थोड़ा सा ये डेविल लुक में आ जाता है, वो थोड़ा स्माइली लुक में आ जाता है। तो डेविल लुक आपको पता है कि कुछ ज़्यादा ही लोगों में पसंद किया जाता है। बाकी अगर थोड़ा सा नीचे आ जाए तो जो इसका सस्पेंशन है वो बहुत ही बेसिक से टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं। 4V में तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक मडगार्ड देखने को मिल जाएगा, यानी सस्पेंशन की इस एरिया को मड से बचाने के लिए थोड़ा सा एक प्लास्टिक पीस दे देते हैं, लेकिन इसके अंदर वो भी चीज़ जो है कट डाउन कर दिया गया। बाकी इसकी मडगार्ड की बात की जाए तो वो आपको ड्यूल टोन में देखने को मिल जाता है, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पर देखो, तो पहले बात ये वाला जो पीस है, ये वाला पूरा आपको शाइनी ब्लैक फिनिश में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ से जो है आपको थोड़ा मैट फिनिश में देखने को मिल जाता है, जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ थोड़ा सा ड्यूल टोन देने की कोशिश की गई है। वहीं अगर मैंने आपको सस्पेंशन के बाद जब मडगार्ड दिखाया तो आपको दिखा होगा ये सुपर मोटो ABS, तो हाँ इसमें जो फ्रंट का जो ABS है उसे आप ऑफ या ऑन कर सकते हो जरूरत पड़ने पर। तो फ्रंट में आपको डिस्क मिल जाएगी, साथ में ABS मिल जाएगा, सुपर मोटो मिल जाएगा, लेकिन हाँ इसका जो ब्रेक का कैलिपर है मैं उससे बड़ा परेशान हूँ कि भाई इसकी कोई जाति बिरादरी तो होना चाहिए, मतलब किस कंपनी का है। TVS का हो तो TVS लिख दो, बाइबर के हैं तो बाइबर लिखो, अगर निशन के हैं तो निशन लिखो, मतलब किसी भी कंपनी का हो XYZ, लेकिन उसे लिखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई भी कंपनी ब्रांड मेंशन नहीं है, लगता है ऐसा जैसे किसी चाइना से मतलब इंपोर्ट कराया गया और यहाँ पर चिपका दिया गया। खैर चाइनीज़ तो सारे होते हैं, लेकिन बस ब्रांड थोड़ा सा कर देना तो ज़्यादा अच्छा होता है। बाकी फ्रंट में आपको रिमोरा ब्रांड के टायर देखने को मिल जाते हैं, जो कि 90-90-17 के टायर दे दिए गए हैं, जो कि ट्यूबलेस में हैं, तो इसमें कोई खास दिक्कत नहीं है। बाकी अलॉय व्हील बहुत ही सिंपल बेसिक से, इसमें कोई खास कट डाउन नहीं है। और यहाँ पर अगर देखें तो इसका जो इंजन काउल है वो आपका ड्यूल टोन में देखने को मिल जाता है, ब्लैक शाइनी ब्लैक मैट। यहाँ पर देखो तो हाइपर एज लिखा देखने को मिल जाएगा, और साथ में ये वाला पीस जो है जो कि ज़्यादा डस्ट के संपर्क में आकर के स्क्रैचेस जल्दी ग्रैब करता है, तो इसे दूर रखने के लिए, स्क्रैच प्रूफ बनाने के लिए इसे थोड़ा सा मैट फिनिश देने की कोशिश की गई है। तो ये देख ले, बाकी यहाँ पर थोड़ा बहुत वेंट है, यानी ऐसा नहीं है कि पूरा ढक दो और हवा ही ना जाए, इंजन गर्म होकर के सीज हो जाए, तो उससे बचाने के लिए कुछ वेंट भी दे दिए गए हैं सामने की ओर, ताकि हवा का आदान प्रदान होता रहे। बाकी ड्यूल हॉर्न का सेटअप देखने को मिल जाएगा, अच्छा खासा इसमें लेग गार्ड देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी मजबूत होता है। बाकी थोड़ा सा ऊपर आ जाए तो टैंक का जो काउल है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है, जो कि इनबिल्ट होता है, टैंक काउल कह नहीं सकते, बस होता ही ऐसे। बाकी RTFI रेस ट्यून्ड यहाँ पर देखने को मिल जाता है, कार्बन फिनिश प्लास्टिक यहाँ पर दे दी गई, ये कार्बन फिनिश आता नहीं है, बस ब्रांड की बात है, थोड़ा बहुत तो मॉडिफिकेशन ऐसे कर सकते हैं जो कि दिखने में अच्छे लगे। यहाँ पर अगर देखो तो इंजन जो है इसका बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है। आपको पता है कि इंडिया में 2 ही बाइकें हैं जिसके पीछे पुलिस हाथ धो करके पड़ी रहती थी, एक पल्सर 150 और एक अपाची 200 से लेकर के 160। अब इनकी वजह यह थी कि बहुत ही कम पैसे में ये अच्छा खासा स्पीड जल्दी अचीव कर लेती थी, जिसकी वजह से पुलिस में भी ये बहुत ज़्यादा बांटी गई थी और चोर तो इसे लेते ही थे। तो ये दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई, एक तो पुलिस के बीच में दोनों ही बाइकें, चाहे वो पल्सर हो चाहे वो अपाची हो, और यही दो ही बाइकें क्रिमिनल्स के हाथों में भी काफ़ी ज़्यादा चली, बुरे लोड़े तो यार आजकल बच्चे लेते हैं। बाकी यहाँ पर देखो तो ये पहले सिल्वर फिनिश में आता था, लेकिन अभी ये जो है ब्लैक एकदम कार्बन ट्यून्ड में आता है, जो कि प्लास्टिक थोड़ा सा कार्बन फिनिश्ड है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बस स्क्रैचेस जो हैं जब आप बैठते हो यहाँ पर तो आपके पैरों से पैंट से स्क्रैचेस ना लगे, उससे बचाने के लिए इसे ऐसा फिनिश दे दिया गया है। अपाची का स्टीकर यहाँ पर आपको पहले थोड़ा सा मैट ब्लैक में मिलता था या फिर गोल्डन में मिलता था, लेकिन अभी ये आपको सिल्वर या फिर व्हाइटिश थोड़ा सा कह सकते हैं। ऑन मतलब इसे ओपन करने के लिए आपको यहाँ से की लगानी पड़ेगी, सेल्फ स्टार्ट इसमें आता है, किक स्टार्ट इसमें नहीं आता है, आना भी नहीं चाहिए, बहुत ही भद्दी लगेगी। आप इंजन की कैपेसिटी इसमें देख नहीं सकते हो, लेकिन डालते हैं 1000 ml है, वहीं जो 4V होती है चाहे वो 160 हो उसमें 1200 ml पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जो है 1000 ml पड़ता है और आप इसे देख भी नहीं सकते हो। वैसे अपाची की किसी भी सीरीज़ में आप इंजन ऑयल नहीं देख सकते हो, वो अलग चीज़ है। बाकी यहाँ पर इंजन ऑयल का जो फ़िल्टर होता है वो यहाँ पर चेंज कर सकते हो निकाल करके, आप नहीं सर्विस सेंटर वाले। और जो इसका सेल्फ स्टार्ट है वो काफ़ी छोटा सा पिद्दी सा होता है, हेड बहुत ही अच्छे से यूनिक तरीके से
पेंटेड है, ज़्यादा शाइनी नहीं, 4V तो थोड़ा बहुत शाइन पेंट होकर के आता है, ये थोड़ा सा मैट फिनिश में आता है। उसमें हेड के ऊपर जो कैप होती है जहाँ पर टैपेट टाइट होता है वो थोड़ा सा रेड कलर में आता है, लेकिन यहाँ पर वही ब्लैक फिनिश में दे दिया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा वायरिंग जो है और जिसको इंस्ट्रूमेंट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले वो एक्सपोज्ड हैं, चाहे यहाँ पर आपको O2 सेंसर हो, चाहे यहाँ पर आपका जो है ऑक्सीजन सेंसर हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप जो कारों में लगती हैं वैसे वैसे तो इसमें सेंसर देने लग गए हैं, तो इसकी वजह से बाइकें थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। बाकी वेज़र की बात की जाए तो वाइज़र आपको बहुत ही अच्छा सा बल्कि सा देखने को मिल जाता है, जो कि 4V में इस सीरीज़ में नहीं आता। इंडिकेटर भी इसे काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा मतलब डायनेमिक्स लेकर के आता, थोड़ा सा आगे की ओर एक चुकीलापन लेके आते हैं। वहीं अगर देखें इसके जो ब्रेक लीवर्स हैं, चाहे वो क्लच लीवर्स हैं वो सारे ही आपको सिल्वर पेंटेड मिलते हैं। अगर आप इसमें हाथ लगाते हो तो जल्दी आपका हाथ गंदा नहीं होगा, ना ही आपको कुछ खास यहाँ से पेंट उड़ेगा, तो ये कह सकते हैं। बाकी मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ इसमें, तो स्विचेस की क्वालिटी इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है, जो पहले भी बहुत ही अच्छी आया करती है तो अभी भी फ़िलहाल अच्छी ही आती है। बाकी इसे ऑन नहीं किया गया है, अभी इसकी PDI नहीं हुई है, इस वजह से इसमें बैटरी के कनेक्शन नहीं हुए हैं। बाकी इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही बेसिक से है, कोई खास इसमें नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि इन्फॉर्मेशन आपको सारी मिल जाती है, आप कहीं से कहीं तक चूकोगे नहीं। बाकी एक बार मैं देख लूँ चार्जिंग का पोर्ट इसमें दिया गया है कि नहीं दिया गया, तो नहीं, इसमें चार्जिंग का पोर्ट फिलहाल इसमें नहीं दिया गया है, जबकि देना चाहिए, बिक्की तक में तो आता है इनकी यार, लेकिन इसमें नहीं है। बाकी यहाँ पर देखो तो मैंने आपसे कहा था कि एक वेरियंट है, ये है ऑल ब्लैक वेरियंट, जिसमें कोई भी स्टिकर टैंक के ऊपर नहीं दिया जाता, इवन जो इसका यूनिकॉर्न का लोगो है ये भी आपको ब्लैक फिनिश में मिल जाता है, इसमें भी सिल्वर फिनिश या फिर गोल्ड फिनिश में आता है, जो कि अभी फिलहाल इसमें नहीं है। यहाँ पर रबर की पैडिंग मिल जाती है वो भी नहीं है, यहाँ तक का इसमें आपको RTR लिखा होता है रबराइज, वो भी नहीं है, जबकि वो चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है 4V में, वो चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। बाकी अगर आ जाएँ सीट पर, तो सीट लगती ड्यूल टोन में है लेकिन है नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा एरी बनाने के लिए कुछ ग्रुप्स हैं, यहाँ पर एकदम फिनिश एकदम स्मूथ है। यहाँ पर ग्रैब रेल देखें तो स्प्लिट देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मजबूत है, आप इजीली इससे जो अच्छा खासा वेट उठा करके खींच सकते हो और बंदे को बांध के घसीट भी सकते हो, जल्दी टूटने वाला नहीं है, प्लास्टिक का नहीं है भाई, अलॉय का ही है। बाकी RTR 160 यहाँ पर देखने को मिल जाता है। रियर के टायर की बात करें तो वही रिमोरा ब्रांड के टायर देखने को मिल जाते हैं, जो कि रिमोरा के ना होकर के TVS के हैं, सॉरी TVS का एक रिमोरा वेरिएंट आता है, मैं ब्रांड बोल रहा था, सॉरी इसके लिए। बाकी अगर टायर की बात की जाए तो 110 80 17 के रियर टायर देखने को मिल जाते हैं। रियर में आपको जो है कोई भी डिस्क देखने को नहीं मिलती, जबकि फ्रंट में आपको सुपर मोटो ABS तक मिल जाएगा, डिस्क मिल जाएगा। ये एक नया वेरिएंट था इनका, जिसके अंदर फ्रंट से आप बाइक बहुत ज़्यादा मजबूत होगी, रियर से उतने ज़्यादा कोई ब्रेक यूज़ नहीं करता, खुद मेरे पास भी 390 है, मैं रियर के ब्रेक्स बहुत ही कम यूज़ करता हूँ, तो वो चीज़ है। बाकी यहाँ पर आपको MIG के जो है सस्पेंशन देखने को मिल जाएंगे, MIG ब्रांड नहीं है, MIG एक वो है मोनोट्यूब इन्वर्टेड शॉक एब्जॉर्बर गैस शॉक्स एब्जॉर्बर, तो ये हो गए, बस इसे MIG बोला जाता है। बाकी रियर में जो है आपको कोई भी हेदर गार्ड देखने को नहीं मिलता, नॉर्मल से यहाँ पर जो मडगार्ड आने चाहिए थे वो भी इसके अंदर नहीं मिलते, जिसके अंदर सस्पेंशन मोनोशॉक होता तो वो दे भी देते, लेकिन अभी इसके अंदर नहीं आता। ड्यूल शॉक एब्जॉर्बर्स हैं, तो अंदर इसके कोई भी मडगार्ड या फिर हेदर गार्ड देने की कोई खास ज़रूरत थी भी नहीं। कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आता है, तो फ्रंट की डिस्क और रियर की जो ड्रम है वो साथ में मिल करके अप्लाई होता है, तो उससे कोई खास दिक्कत नहीं आती। हाइपर एज मैंने आपको बता दिया कि वो चीज़ यहाँ पर देने को मिल जाती है। एक और चीज़ कि बाइक इतनी ज़्यादा हीट होती है उसके बाद भी ये प्लास्टिक कहीं पर जाता नहीं है, क्योंकि साइलेंसर के ऊपर भी यहाँ पर भी एक स्कफ प्लेट लगाई गई है, जिसके थ्रू ये जल्दी पिघले नहीं, तो ये हो गया। बाकी इसमें रियर का फुटरेस्ट हो चाहे फ्रंट का फुटरेस्ट हो, वो दोनों ही अलॉय के दिए गए हैं। अदर बाइकों में 390 में भी यार देखा जाए तो लोहे के रियर में दे दिए गए, पाइप के वेल्ड करके दे दिए गए, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट कटिंग वाले और भद्दे लगते हैं। सो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी जल्दी से नीचे कमेंट बता देना, भाई वीडियो अच्छी लग गई है लाइक ज़रूर कर देना। चलिए मिलते हैं किसी और एक अमेजिंग सी वीडियोज़ में, तब तक बाय बाय।